ये मैं आज आपको एक ड्रिप इरिगेशन किट के बारे में बताने जा रहा हूँ। ये जो ड्रिप इरिगेशन किट है वो बड़े आसानी से आप अपने घर में इस्तेमाल कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हैं। तो आज मैं आपको बताऊंगा कि इसे इंस्टॉल कैसे करना है, इसके साथ क्या क्या कंपोनेंट आते हैं और उन्हें कैसे फिट किया जाता है। तो इस किट में सबसे पहले आप देख रहे हैं तो हमें मिलेगा इस तरह का मोटा पाइप जो कि एक मेन पाइप कहलाता है, और इसे जो है मेन पाइप बोलते हैं जो कि 16 mm का होता है। ये आपको जोड़ना होगा आपके घर के नल से, मतलब मेन जो वाटर सप्लाई है वो इसी में जोड़ी जाएगी। तो आपको मिलेगा इस तरह से एक मेन पाइप। इसके बाद ये जो है ये फीडर पाइप मिलेगा जो कि 4 mm का रहेगा। इससे क्या है, इससे हमें इस पाइप को इस मेन पाइप में जोड़ना है और इसके दूसरे एंड में हमें जोड़ना रहेगा इस तरह से मीटर। तो एक ये पाइप मिलेगा आपको। इसके बाद हमें मिलने वाले हैं इस तरह के स्टॉक। अब इनका क्या काम होता है, इन्हें हमें लगाना होता है गमले में। तो गमले में लगाने के लिए ये स्टॉक मिल जाएंगे। इसके बाद ये जो है ये एंड कैप है, तो एंड कैप मिल जाएगा जो हमारा फीडर मेन पाइप होता है उसे बंद करने के लिए इसको इसमें लगाया जाता है। पूरी प्रोसेस में बताऊंगा। तो ये एंड कैप है। ये टी कनेक्टर है, जैसे आपको किसी पाइप में टी कनेक्ट करनी है तो आप यहाँ से एक पाइप जोड़ के दोनों तरफ पाइप को ले जा सकते हैं। ये स्ट्रेट कनेक्टर है विथ टैप के साथ, ये आएगा। आप इससे बंद चालू भी कर सकते हैं, अगर आपको कहीं पानी नहीं देना है तो आप इससे उस जगह के पानी को बंद कर सकते हैं। ये एल्बो कनेक्टर है और इसका काम भी कनेक्ट करना है दो पाइप को। और ये स्ट्रेट कनेक्टर है, मान लीजिए आपके दो पाइप छोटे का आपने काट लिए हैं तो इसकी मदद से आप उन्हें जोड़ सकते हैं। ये है हमारा इमीटर, मतलब इसी से जो है पानी गमले में आपका ड्रिप इरिगेशन से नीचे गिरेगा। और इसके अंदर आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से ये मिलेगा, और इसे आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसमें जो पानी की स्पीड है उसे आप ऐसे ढीला और टाइट करके कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद आपको कुछ ही डमी मिल जाएंगी कि अगर आपके गलत छेद हो गए हैं तो वहाँ पर आप इस डमी को लगाकर उसे बंद कर सकते हैं अपने मेन पाइप में, इस पाइप में। इसके बाद ये आपको पंच करने के लिए एक पंच इक्विपमेंट मिलने वाला है, जिसकी मदद से हम जो इसमें इस तरह से पंच करेंगे लगाने के लिए अपना फीडर पाइप। और इसके बाद ये मिलेंगे आपको पिन कनेक्टर। अब पिन कनेक्टर को इस पाइप में लगाया जाता है जो हमारा 4 mm पाइप है, इस पाइप में लगाएंगे इस पिन कनेक्टर को। और अभी इसकी पूरी प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ। तो इतने जो हैं आपको कंपोनेंट मिलने वाले हैं और इन सबको अब इंस्टॉल करते हैं और देखते हैं ड्रिप इरिगेशन सिस्टम कैसे इंस्टॉल किया जाता है। इससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मैं जब भी इस तरह का वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। देखिए सबसे पहले हम ये ले रहे हैं हमारा फीडर पाइप, और इसे आपके गमले की जो लेंथ है उस हिसाब से आप काटिएगा। मैं यहाँ पर लगभग मुझे इतना ज़रूरी है तो मैं इतना यहाँ से इसे कट कर लेता हूँ। आप किसी भी कटर या इस तरह से कैंची की मदद से काट सकते हैं, बड़े ही आसानी से ये कट जाएगा। अब इसका एक जो सिरा है वो लगेगा इस मेन पाइप में और दूसरा लगेगा हमारा इस तरह से इमीटर में। इसमें आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले तो सबसे जो ये स्टॉक है हमें इसे इसमें अंदर डालना है। इसके बाद जो हमारा इमीटर है उसको आपको कैसे फंसाना है, देखिए इस तरह से हम लेंगे इस पाइप में। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, सीधा आप इसको इस तरीके से अंदर कर दीजिए। तो ये आपका इमीटर लग गया है, इसे आप इस तरह से पकड़ के कम ज़्यादा करेंगे तो पानी जो है कम ज़्यादा होने लगेगा। ये यहाँ पे हमने जोड़ दिया है। और अब इसके बाद हम जो ये पाइप है, इस पाइप का भी मैं आपको बता देता हूँ। इस पाइप में जैसे अब हमें इसे जोड़ना है तो इसको इस तरीके से जोड़ेंगे। तो जो हमारा पंच है ये करने का, सबसे पहले हमें क्या करना है, इससे यहाँ पर पंच करना है। पंच करने का तरीका मैं बता देता हूँ। तो इस तरीके से आप इसे पंच, देखिए आवाज आई छोटी सी, ये देखिए होल हो गया। अब हमें इसमें ये जो पिन कनेक्टर है ये कनेक्ट करना है। अब पिन कनेक्टर का जो ये सामने वाला हिस्सा देख रहे हैं आप, ये इस पाइप में जाएगा और ये वाला हिस्सा इस पाइप में जाएगा। तो हम यहाँ पर इस पाइप को जोड़ लेते हैं इस तरीके से। आप आराम से पाइप में ये जो है पिन कनेक्टर लगा पाएंगे। और इसके बाद आपको इसे कुछ इस तरीके से लगाना है अंदर, और देखिए आवाज करेगा। इसके बाद आप थोड़ा सा ऐसे खींच दीजिए। इसके बाद ये आपका लग गया यहाँ पे अपना जो भी फीडर है वहां पर। अब इसे लगा देंगे हम गमले में। अभी मैं आपको दिखाऊंगा कैसे आपको लगाना है।
इसके बाद मान लीजिए आपको यहाँ पर किसी भी तरह का नया कनेक्टर लगाना है, जैसे टैप वाला लगाना है, तो आप इस तरह से टैप वाला कनेक्टर लगा सकती हैं। अगर आपको टी एल्बो कुछ भी लगानी है, जैसे मैं आपको दिखाऊं, तो यहाँ पे आप इस तरह से टी एल्बो भी लगा सकती हैं और इससे फिर दोनों तरफ इस पाइप को ले जा सकती हैं। ये फ्लेक्सिबल पाइप होता है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए ये फ्लेक्सिबल पाइप है, तो ये टूटता भी नहीं है, फटता भी नहीं है और बड़े आसानी से आप इसे इंस्टॉल कर सकती हैं। तो चलिए अब प्रैक्टिकली गमले में मैं आपको इंस्टॉल करके बताऊं। केवल एक चीज अभी रह गई है, जो एंड कनेक्टर है इसे, तो इसे भी लगाना आसान होता है। कुछ इस तरीके से इसे लगाया जाता है, मैं इसके दूसरे एंड पर आपको बता देता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अभी एंड कनेक्टर इस तरफ लगाया जाता है ताकि हमारा जो एक्स्ट्रा वाटर है वो यहाँ से बाहर ना निकले। तो इसे लगाने का तरीका देखिए कुछ इस तरीके से है, आपको पहले इसे इस तरीके से अंदर करना है, इसके बाद इसे मोड़ते हैं इस तरीके से, थोड़ा और मैं थोड़ा ज़्यादा मोड़ लेता हूँ, इस तरीके से मोड़ेंगे और फिर इसी एंड के कनेक्टर में इस तरह से लगा देंगे। तो ये आपका यहाँ से पानी बाहर नहीं जाएगा, अब पानी यहाँ पे रुक जाएगा और जो इस पाइप में जो हमारे इस तरह से हमने लगाए हुए हैं ड्रिप, इनमें पानी जाने लगेगा। तो ये केवल आपको दूसरे सिरे में लगाना है अपने पाइप के। तो चलिए अब इसे कनेक्ट करते हैं और देखते हैं कैसा रिजल्ट मिलता है। देखिए अब ये पाइप हमने यहाँ पर फैला लिया है और अब हम यहाँ से इसे कट करने वाले हैं, इतना हमें ये चाहिए। तो इस तरह से आप किसी भी कटर की मदद से इसे आराम से काटिएगा, तो ये आराम से कट जाएगा। ये देखिए इस तरह से कट गया है। तो एक ये अब हमारा पाइप हो गया है, इसे हमने यहाँ पर फैला लिया है और यहाँ पर हम लगाने वाले हैं अब हमारे ड्रिप सिस्टम को। अब दोस्तों ये मेन जो पाइप है इसे हमें अपने घर के नल में लगाना है और नल इस तरह का यूज कीजिएगा, टोंटी वाला, और इसके बाद आप इसको इस तरीके से आराम से करिएगा। तो ये देखिए पूरा हमने पाइप को अंदर कर दिया है, तो यहाँ से हमारी मेन सप्लाई अब जाएगी पानी की इस तरीके से, और यहाँ से जो ये पौधे हैं इनमें हम ये ड्रिप सिस्टम अब लगाने वाले हैं। अब इसकी मदद से हम यहाँ पर एक पंच करेंगे, ये देखिए, और यहाँ पर इसे हम ये जो पिन है हमारा पिन कनेक्टर, इसी से इस तरह से हम लगा देंगे और इसे थोड़ा सा खींच देंगे और फिर इसे आपको इस तरह से नीचे रख देना है। और ये जो हमारा इमीटर है इसको इस तरह से आप देखिए, इस तरह से आप जो है गमले में इस तरह से लगा दीजिए और यहाँ से अब ये ड्रिप ड्रिप जो है वाटर चालू हो जाएगा जब हम इसको ऑन करेंगे। ये भी ले लो, अब जैसे इसका मैं बता दे रहा हूँ, है ना, हाँ। जैसे अपन को इसको तेज करना है, देखो ये तेज हो गया, हाँ। है ना, हाँ। तेज करना है, कैसा तेज और कम करना है, तो आप इस तरीके से आप कम कर दो तो ये इतना कम हो जाएगा।